छठ महापर्व पर एमसीडी और पीडब्ल्यू ने नहीं कराई सफाई तो कैंप के युवाओं ने उठाया झाड़ू। मोतीलाल नेहरू कैंप के हजारों छठव्रती आर के पुरम घाट आते जाते हैं और कई बार दोनों विभाग को आग्रह करने के बावजूद भी सफाई नहीं कराई गई। जी हाँ, एमसीडी और पीडब्ल्यू को दोनों को इसकी जानकारी देने के बावजूद भी सफाई नहीं कराई गई और छठ महापर्व जिस तरीके से मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस रास्ते से छठ व्रती लोग जाते उस रास्ते पर कितनी गंदगी है। तो उसके बाद यहाँ पर जो मोतीलाल नेहरू कैंप में रहने वाले युवा हैं उन्होंने ही सफाई का बीड़ा उठाया और देखिए पहले किस तरीके से यहाँ गंदगी फैली हुई है, उसके बाद उन लोगों ने खुद सफाई करी। जी हाँ, ये फुट ओवर ब्रिज है जो कि मोतीलाल नेहरू कैंप से जोड़कर आरकेपुरम जोड़ता है। जी हाँ, इसी रास्ते से लोग आवाजाही करते हैं और छठ व्रती लोग इसी से जाए रही हैं और आ रही हैं। उससे उसको ध्यान में रखते हुए युवाओं ने इससे खुद देखे किस तरीके से जो सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीच सड़क से ये फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है क्योंकि एक सड़क को इधर से उधर पार करने के लिए ये अहम भूमिका फुट ओवर ब्रिज निभाता है। और उसी कड़ी में देखिए किस तरीके से यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं युवा। जी हाँ, छठ व्रतियों का पूरी तरीके से जो ख्याल है वो रख रहे हैं, जो ख्याल विभाग को रखना चाहिए वो ख्याल अब जो है मोतीलाल नेहरू कैंप के जो युवा हैं वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो सफाई है वो खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से लाख को कहा जाता है कि हर बार हर जगह पर साफ सफाई है, लेकिन स्वच्छता का नारा देने वाली सरकार की तस्वीरें आप देखिए कि राजधानी दिल्ली में कहां पर स्वच्छता है। यहां खुद देखिए जो लोग हैं वो सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो युवा हैं जो कि मोतीलाल नेहरू कैंप में रहते हैं और उन्होंने फिर बीड़ा उठाया और खुद यहाँ पर देखिए फुट ओवर ब्रिज की पूरी तरीके से सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये है ये युवा। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। आज आप देख सकते हो कि पूर्वांचल की तरफ हमारे बिहार में छठ पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है और आपको ये पता है कि आज जो है आज जो पूरे विश्व में हमारा जो है आने वाले समय आज देखिए आज जैसे कि आज छुट्टी का दिन दे दिया एलजी साहब ने करके छुट्टी का दिन दे दिया, आज जो है ठेके बंद होने चाहिए, ठेके बंद करवाएं, सरकार छुट्टी दे दी गई। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि इस त्यौहार को हम दूसरे से कह के खुद हम सफाई करें। और हमने कई बार भी अपनी पार्षद हमारी कृष्णावती जी रही उस समय भी ये फुटोर बिनने के बाद लवारिस रहा, इस पर कई और वस्तुएं आके यहाँ पर अपना दराब का सड्डा हुआ है, कुछ भी दीजिए। हम तो ये भी मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस से कि वो यहाँ भी अपना एक बार जो हमारे अगर छठ पर्व है तो क्या इस रास्ते से फुट ओवर ब्रिज से छठ व्रती आती जाती हैं क्या? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो संख्या है बोले 15,000 की संख्या है और 15,000 में से हमारे कम से कम 20,000 2,000 ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ छठ लोग बनाते हैं और जो महत्व इसी फ्लाई ओवर से हमारे लोग जाते हैं और इस फ्लाई ओवर पर लोगों ने कांच और कई तरह की वस्तुएं पड़ी हुई हैं, तो इसलिए हमने तो क्या सरकार ने या एमसीडी या पीडब्ल्यूडी ने इसको सफाई नहीं कराया सरकार कम से कम त्यौहार को देखते हुए और फिर हमने ये उठाया कि हम ही इसको साफ और हमने अभी से नहीं और आते हुए पहले भी हमने दो बार से साफ कराया है और अभी भी हम साफ कराएंगे जैसा कि हमने बताया। और जो ये कहती है सरकार के कूड़े का पहाड़ कूड़े का ये, मैं ये कहना चाहता हूँ उनके माध्यम से कि उनकी पार्षद और कृष्णावती होते हुए हमारे वार्ड में इतनी स्थिति खराब कर रखी है उनने कि क्या बताया जाए। क्या तो ये आपका कहना है कि सरकार के कथनी और करनी में अंतर करनी फर्क है। आप ये देखिए जैसे कि आप जमुना जी का देख लीजिए, आप कह रहे थे कि 2015 में कि हम उसको 5 साल में लोगों को साफ करके डुबकी लगाएंगे, आज उसकी स्थितियाँ देखिए क्या है। ठीक है, आप उस केमिकल को जो केमिकल है उसके अंदर उसको केमिकल दे के मार रहे हैं, आप सफाई की बात नहीं कर रहे, आप केमिकल से केमिकल ख़त्म कर रहे हो। यानी कि ये पूरे पे और ये पे दिल्ली में राजनीति हो रही है, पूरी हो रही है जी, पूरी हो रही है, इसको सफाई कुछ नहीं हो रही, राजनीति ज़्यादा हो रही है इसके ऊपर। अच्छा,
जरूरत इसलिए पड़ी, अभी हमारे दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी की सरकार है, हम लोगों का यहाँ से डेली का आना जाना रहता है, सब चीज़ कोई भी प्रशासन इस साइड ध्यान देने को तैयार नहीं है पूरी तरह से। हम लोग बोल बोल के, शिकायत करके, ऑनलाइन डाल के सब तरह से हम देख चुके हैं। आज हमने यहाँ का लिया, इससे पहले हमने वो अंदर लिया था, अंदर मोतीलाल नेहरू कैंप में ही कमेटी हॉल के पास, उससे पहले वहाँ तुलाराम की साइड इतना कूड़ा उठाया है, उसकी वीडियो सब मेरे पास अभी पड़ी हुई हैं ऑनलाइन। यानी कि आप मानते हैं कि एमसीडी या पीडब्ल्यूडी दोनों काम नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, अगर काम कर रही होती तो हमें झाड़ू उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं हूँ, मेरी टीम है, हम लोग जो है पूर्व निगम पार्षद का अनीता चौधरी कांग्रेस की, उनके साथ मिलके हमारी पूरी टीम है, हम सारे जने मिलके लगे हुए हैं सफाई अभियान में। ये क्या आप लोग रोजाना अपने कैंप में करते हैं अलग अलग जगह पे? हम लोगों ने देखो, यह है कि छोटा मोटा है तो रोज कर लेते हैं, जैसे ये बड़ा था टारगेट हमारा तो हमने डिसाइड करा जो हमारा बड़ा टारगेट रहेगा उसको हम वर्किंग डे, जो हॉलीडे रहेगा हमारा उसको लेंगे और बाकी को हम वर्किंग डे में रखेंगे। केजरीवाल जी ने अब आपके विधायक ने, यहाँ के विधायक ने ये फुट ओवर ब्रिज बना दिया, फुट ओवर ब्रिज बना दिया लोगों को सुविधा के लिए। जी जी जी, लेकिन क्या इसका मेंटेनेंस हो रहा है क्या? नहीं, देखो जी, उन्होंने ब्रिज बनाया उसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, बहुत सुविधा है लोगों को, एक्सीडेंट वगैरह से काफ़ी बच चुके हैं, नहीं तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे। चलो बना दिया वो ठीक है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस वगैरह, ये साफ़ सफाई, इसकी भी जिम्मेदारी उनकी बनती है। उन्होंने अच्छा काम किया, हम उसका भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है तो ब्रिज का। हाँ।